शासन प्रशासन की दोहरी नीति। शहर कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव नितेश भारद्वाज ने बताया, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए शासन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखकर आज कलेक्टर कार्यालय पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा की गई लोकतंत्र की हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर ज्ञापन देने गए थे, तो शासन प्रशासन के अधिकारियों ने व पुलिस के नियमों का हवाला देते हुए कांग्रेस जनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए बलपूर्वक उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विधानसभा एक के पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता द्वारा आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कमला नेहरू नगर में जन्मदिन मनाते हुए हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर राशन बांटा गया, तब प्रशासन का कोई नियम नहीं देखा गया और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की। यही प्रशासन की दोहरी नीति है। शासन प्रशासन के अधिकारी भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। आज शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय बाकलीवाल जी के नेतृत्व में जो चुनी हुई सरकार को गिराया गया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में जो है यहाँ पर प्रदर्शन करके ज्ञापन की जनता बताई कि किस तरीके से आपको काम करने की सेवा करने के लिए जो है शासन प्रशासन की धोरी नीति है। किस तरीके से प्रशासन धोरी नीति अपना रहा है ये आज देखने को मिला है कि जब पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता एक स्कूल में अपने जन्मदिन पर भारी भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया करवाया जाता है और इतनी भीड़ के साथ जो है वहाँ कुछ सामग्री बांटी जाती है, वहीं जहां आज शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विनय वाकलीवाल जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब करने के लिए किस तरीके से सरकार गिरेगी उसको लेकर अनुमति मांगी जाती है और अनुमति नहीं दी जाती है, और उसके बाद जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ज्ञापन नहीं लिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर किस तरीके से ये प्रशासन के अधिकारी काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है प्रशासन द्वारा। ये अधिकारी भूल गए हैं कि कुछ दिन कुछ महापूर्व कांग्रेस की सरकार थी और ये यही नियुक्त थे, तो किस तरीके से धोरी नीति शासन और प्रशासन निभा रहा है, किस तरीके की दोस्ती निभा रहा है। हमारी कांग्रेस की सरकार में कभी धोरी नीति नहीं अपनाई गई। मैं देवेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष इंदौर।